ऐसा है, गाना वाना की बात नहीं कर रहा मैं, वो सब तो होते रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मेजर में थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आप जितना सिलेबस आ रहा है उसको एक बार में ही कंप्लीट कर लें। ऐसा लोगों को मैंने देखा है करते, परेशान होते रहते हैं। जितनी बार सिलेबस वन आएगा हर बार सोचते सिलेबस वन को बार बार पूरा पढ़ लें, ऐसा नहीं होगा। आप सिलेबस वन जब पढ़ना चालू कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले तो अगर आप नोट्स भी पढ़ रहे हैं और मॉड्यूल भी सॉल्व कर रहे हैं तो आप पूरा कभी नहीं कर पाएंगे। या तो आप पहले सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ नोट्स पढ़िए। सिलेबस वन में मान लीजिए 5 दिन 4 दिन का गैप मिला है तो आप अगर नोट्स पढ़ सकते तो पूरा नोट्स पढ़ लीजिए। जब नेक्स्ट बार वही सिलेबस आएगा तो उसके क्वेश्चन बना लीजिएगा, फिर नेक्स्ट बार वही आएगा तो फिर अदर क्वेश्चन बना लीजिएगा। लेकिन आपको ऐसे कर करके करना पड़ेगा, लेकिन जो भी करें ढंग से करें। ऐसा नहीं कि हर बड़ी में हम नोट्स भी बना ले वो भी अच्छे से नहीं हुआ, मॉड्यूल सॉल्व करने गए उसके भी क्वेश्चंस रह गए, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि एक बार में आप नोट्स भी सॉल्व करें मॉड्यूल भी सॉल्व करें तो आप पूरा मत कीजिए उस सिलेबस को, जितना हो सकता उतना ही कीजिए लेकिन उसको अच्छे से कीजिए। जो बच जाएगा पार्ट उसको जब दोबारा सेम सिलेबस आएगा तब कीजिएगा। नंबर के लिए अभी घर वाले परेशान हो तो बोलिएगा भाई थोड़ा दिन बाद, अभी एक बार पूरा रिवीजन कर ले, अभी तो क्लास खत्म हुआ है, कर लोगे ना भाई 15-20 दिन में रिवीजन। बढ़िया से एनर्जी लगा के रोज रिवाइज कीजिए। कितने घंटे पढ़ना है टारगेट सेट कर लीजिएगा, बोलता 4 16 बोला क्या, 16 टारगेट सेट करोगे तो कम से कम 12 तो पढ़ोगे। टारगेट ऊंचा सेट करना भाई, तभी जाके उसको अचीव करने 80-70% अचीव करोगे। पता चला टारगेट ही 6 घंटे का है तो फिर मामला खराब हो जाएगा। तुषार समझ रहा है कितने घंटे पड़ेगा, 16 का टारगेट रखो ताकि 12 तो पढ़ लो। मैंने तो पढ़ाई की है 12-12 घंटे, आप भी पढ़िएगा ठीक है। चलिए सभी को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे म्यूजिक्स में। नंबर भाई नंबर ले लो।